नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। यहां एक महीने में आधा दर्जन मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हो चुकी है। बीती रात एक बार फिर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ है। आज थाना सियानी गेट क्षेत्र में होली चाइल्ड स्कूल के पास एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। ये चेन स्नैचिंग घटना मोटरसाइकिल सवार दो अभियुक्तों द्वारा की गई। इसके पश्चात थाना सिंहानी गेट पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, उनकी घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी में लोहिया नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास क्रॉस फायरिंग की घटना हुई पुलिस और अभियुक्तों के बीच। इस क्रॉस फायरिंग की घटना में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, साथ ही एक कॉन्स्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों को उपचार हेतु कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पूछताछ में उसका नाम अजय बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। कोतवाली, सिहानी गेट और कविनगर क्षेत्रों में इनके विरुद्ध मुकदमे हैं। उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। इसके पास से 32 बोर की एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक एफजेड मोटरसाइकिल और लूटी हुई चेन बरामद हुई है। अभी इसके साथी की तलाश की जा रही है, इसे गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुरादाबाद लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम और भारत माता की जय ना बोले वो देशभक्त नहीं है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान आज मुरादाबाद में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहकर वंदे मातरम ना गाए और भारत माता की जय ना बोले वह राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। देश की जनता उसे जवाब जरूर देगी। मैं 2009 में पार्टी ने मुझे पहली बार प्रत्याशी के रूप में भेजा और 9 में हारने के बाद मैंने कार्यक्रम शुरू किया, होली मिलन कार्यक्रम। ये एक नहीं, 5 विधानसभा हैं, मुरादाबाद, ठाकरद्वारा, कांट, देहात और बढ़ापुर। 5ों विधानसभा में 2009 से हर बार होली मिलन का कार्यक्रम मैं रखता हूँ। बाई चांस 19 में चुनाव आ गया तो ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। ये 2009 से 19 तक जब तक मैं मुरादाबाद परिवार में सम्मिलित हुआ, मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला पूरे परिवार का, तभी से होली मिलन का कार्यक्रम चलता है। राज बब्बर का टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया गया, इमरान राजनीति तो ये तो जब लोग हमारा घोषित नहीं होता तब लोग प्रत्याशी थे और जिस दिन हमारा घोषित हो गया उससे एक दिन पहले भागना शुरू कर दिया। उनका चुनाव क्या था मेरा, उनका मैंने तो एक आस्ती के जुलूस में भी कहा था मैंने कि भाई कोई राज बब्बर का चुनाव हमारा, पहले भी कांग्रेस की नूरबानो साहब लड़ी थी, 19,000 वोट आए थे, ये तो भागना ही था। जब तक हम प्रत्याशी हो थे प्रत्याशी और जिस दिन हमारा नाम आया उस दिन भाग गए। मैंने ये भी कहा था कि अगर सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी चुनाव लड़ना सामने तो थोड़ा बहुत चुनाव लड़ने में मजा आएगा, भाई इनके सामने कोई चुनाव नहीं। क्या कहे, डर कर भाग गए? अब जो भी समझो आप। नहीं, अभी आपने कुछ दिनों पहले ही आपने यहाँ से मुरादाबाद से बयान दिया था कि जो है ये तो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चैलेंज किया गया था एक राष्ट्रीय। नहीं, मैं उसके बाद में जो है 2 दिन के बाद में इस तरह की देखिए नई बात नहीं है। पहले जब चुनाव जब लोग प्रत्याशी घोषित नहीं होता है हर पार्टी का वो आ रहा है वो आ रहा। मैं आज से नहीं 91 से चुनाव लड़ रहा हूँ। जब भी बात आती है मुझसे कहते हैं ये प्रत्याशी आ गया क्या स्थिति रहेगी, मैंने इसके पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुझसे चुनाव लड़े तो मुझे चुनाव लड़ने में मजा आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, इनके मेरे क्या चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती दी उसके बाद? हाँ बिल्कुल, गाड़ी को मुरादाबाद में उतारा, क्या माने फाइट कहाँ है? फाइट मेरी किसी से है ही नहीं, मैं चुनाव ही नहीं समझ रहा भाइयों। अगर अखिलेश जी आगे लड़े तो मजा आवे, उधर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका लड़े तो चुनाव लड़ने में मजा आवे, या बहन जी चुनाव लड़े तो मजा आवे। अभी क्या स्थिति पता चल जाए, जो नूरबानो जी की स्थिति हुई थी कि लोकसभा में 19,000 वोट आए थे उससे भी बदतर स्थिति इनकी रहेगी। कि जो मुख्यमंत्री उनको अजगर बोलते रहते हैं कि जहरीला है, हाँ। अभी तो आपका रोज आमना सामना होगा, पूरा चुनाव लड़ना है, हाँ। आपका क्या रिएक्शन? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव वहाँ पर। आप मंत्री हैं, आपका रहेंगे तो मंत्री। देखिए कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं और वो केवल न्यूज़ बनाने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए बोलते हैं ज़्यादा,
राशिद अली भी एक बार एमपी रह चुके हैं बस, और उसके बाद क्या चीज़ है, कभी कभी प्रवक्ता भी रह जाते हैं और वो उनकी नई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उन सुन बोलते रहते हैं। सैम प्रोटोडा आज भी मैं परसों से हम उनकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 26/11 में भी 26/11 में बम फूटे थे बम्बई में, तो उन्होंने कुछ भी कोई स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक नहीं किया, इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब इतने कमज़ोर लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे या फिर राहुल गांधी थे, ये इतने कमज़ोर थे कि 26/11 में लगभग 250 लोग मरे थे विक्टोरिया टर्मिनस पे जो स्टेशन था उसके अंदर, या फिर जो ताज होटल था उसके अंदर, और बाहर भी हमारे लोग मरे थे। उसमें जो डिप्टी कमिश्नर या कोई रैंक के पुलिस अधिकारी थे उनको भी टेररिस्टों ने मार दिया था, फिर भी उन्होंने कोई है। यहाँ पर दो स्ट्राइक किए हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, एक ग्राउंड से स्ट्राइक किया है जहाँ पर लगभग 30-35 किलोमीटर तक हमारी भारतीय सेना अंदर चली गई थी, आतंकवादियों को मारा, और दूसरा एयर स्ट्राइक हमने किया है जिसमें जो संख्या आ रही है बार बार संख्या के ऊपर ही वो चल रहा है, लेकिन जो संख्या हमको जो बताई जा रही है कि 300 मोबाइल फ़ोन आतंकवादियों के एक्टिव थे स्ट्राइक के पहले, और स्ट्राइक के बाद वो सब शांत हो गए। तो ऐसा माना जा सकता, अनुमान इस प्रकार का लगाया जाता है कि लगभग 300 आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम करके दिखा दिया है वो कोई कर नहीं सकता है, जनता की भावना थी बदला लेने की, और नरेंद्र भाई मोदी ने उनकी भावना को जो है पूरी तरीके से रखा और एयर स्ट्राइक करके भारत का पूरे देश के अंदर जो है सम्मान बढ़ाया है। आज पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है, लगभग हाथ जोड़ रहा है कि कोई लड़ाई से फ़ायदा होने वाला नहीं है, बातचीत करिए, बातचीत से मुद्दा जो है वो सुलटाया जाए। मुरादाबाद की धरती से एक बात और उठी है, दो दिन पहले यहाँ बर्फ को टिकट दी गया है बंधन से, गठबंधन से, उन्होंने कहा है कि वो वंदे मातरम का पुरजोर विरोध करते हैं, मुस्लिम हैं विरोध करते रहेंगे, इसका क्या मैसेज है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जनता अच्छी तरह से जानती है जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो, मैं मानता हूँ कि वो भारतवासी नहीं है, भारत के प्रति उसकी राष्ट्रभक्ति नहीं है, और ऐसे लोग जिनका राष्ट्र में जो राष्ट्र का सम्मान नहीं करते और भारत माता की जय नहीं कहते, ऐसे लोगों को का जवाब जनता देगी। कांग्रेस अध्यक्ष दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानना है, डर के कारण है या किस कारण? देखिए, डर तो पहले ही गए हैं वो लोग, और डर इसलिए गए हैं कि जैसे ही चुनाव जो है कि उसकी घोषणा हुई, तुरंत सबसे पहले उन्होंने जो है जो वोटिंग मशीन है उसके बारे में कहना शुरू कर दिया कि इस वोटिंग मशीन को जो है इसकी छेड़छाड़ की जा सकती है, टेम्परिंग की जा सकती है। उसके बाद गठबंधन की बात उन्होंने शुरू कर दी, महागठबंधन की बात शुरू कर दी, इकट्ठा सब हो गए, गठबंधन जो है वो हुआ नहीं। कांग्रेस को आज स्थिति यह है कि कोई भी उनके साथ गठबंधन भी नहीं करना चाहता है, जो मायावती गठबंधन नहीं करना चाहती उनके साथ, ममता बनर्जी उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव उनके साथ यानी समाजवादी पार्टी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहती। तो आज अलग थलग पड़ गए हैं क्योंकि सबको पता है इस पार्टी में अब कोई दम नहीं है। राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष का नाम यहाँ से उम्मीदवार के लिए आया था, लेकिन जैसे ही भाजपा सांसद जी का नाम आया तो मैदान छोड़ कर भाग गए, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये जो हैं ये सब हार से डरने वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, और कांग्रेस हमेशा डरपोकों की पार्टी रही है। चाहे शुरू में जवाहरलाल नेहरू थे, जब बंटवारा हुआ था बहुत सारा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, हम लोगों ने हमारे जो फौज थी बहुत देर से वहाँ पर लगाई, इसीलिए जो रजाकार लोग थे वो काफ़ी अंदर आ गए और जो है जगह एक प्रकार से उन्होंने जो कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसी प्रकार से 1961 की 62 की जो लड़ाई थी चाइना के साथ, जवाहरलाल नेहरू अंत तक गाते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चाइना ने आक्रमण कर दिया, हजारों किलोमीटर ज़मीन जो है वो अभी भी चाइना के कब्जे में हुई। डोकलाहम में चाइना की फ़ौज अंदर घुसकर आ गई, कोई भी अंदर फौज घुसने नहीं दी, हमारे जवानों को वहाँ पर कह दिया गया, हाथापाई हुई, धक्काम धक्का हुई, लेकिन कोई भी चाइना का जो फौज है वो अंदर हमारे यहाँ नहीं आ पाई।
थोड़े दिन वहाँ जमी रही, भारतीय सेना भी वहाँ जमी रही और वो फौज जो थी चाइना की वो वापस चली गई है। इस प्रकार का नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी का और मैं समझता हूँ लोगों को उन पर विश्वास है और दोबारा से जनता उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। यूपी के गाजीपुर की बात करते हैं जहां पर छात्रों की ओर से शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मारपीट में शिक्षक घायल हो गया। घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में लोग एकजुट हुए और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझा बुझाकर वापस लुटाया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेहरूपुरा के लड़के मैच खेलने गए थे तो इमरान एक मास्टर हैं जो प्राइवेट स्कूल 12 में पढ़ाते हैं, उनके द्वारा कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया। ये लगभग 10 दिन पूर्व की घटना थी। कल जब मास्टर इमरान पढ़ाने जा रहे थे उसी समय गांव के निरहुपुरा गांव के लड़के कुछ नहर के पास बैठे हुए थे, उन्होंने इमरान को रोका और उनसे बातचीत गाली गलौज वगैरह हुई। तब तक इमरान ने 100 नंबर को टेलीफोन कर दिया। 100 नंबर आ गए तो 100 नंबर ने फिर इमरान को दिलदार नगर थाने पहुंचाया और दिलदार नगर थाने की सूचना के बाद उस गांव से नूर मोहम्मद और जीसान ये मिलने आए इमरान से। रास्ते में फिर निरहुपुरा के पास और लड़कों ने इनको पकड़ लिया और इनके साथ मारपीट की तो उसमें मेन अभियुक्त था दुलदुल यादव वो गिरफ्तार हो गया था और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की दबिश जारी है। हम और SDM और सभी थाना अध्यक्ष मौके पर थे और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त सर पूरे देश में सर आदर्श आचार संहिता लागू है जो उसके परिप्रेक्ष्य में या आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में नहीं, तो बच्चों का विवाद था जिसने थोड़ा सा बड़ा रूप धारण कर लिया और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सर सभी अपराधी सर इसमें अभी तक गिरफ्तार हो गए सर? अभी नहीं, उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। मैंने अभी दुलदुल यादव गिरफ्तार कर ही हो गया था और बाकियों की भी गिरफ्तारी होगी, उन लोगों को मेडिकल। गाजीपुर के जमानिया में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रेल मंत्री और संचार मंत्री मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में BJP की योजनाओं को बताया और BJP के कार्यकाल का हवाला देते हुए वोट की जनता से गुहार लगाई। अनुमति दी जाए लेकिन उस समय की सरकार ने अनुमति नहीं दी और आज भी हमारे अनेक सैनिकों को इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो, BK हरिप्रसाद हो या अमेरिका के नागरिक जो कभी राजीव गांधी जी के सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए सर पित्रोदा ने भी 2 दिन पहले, मैं मानता हूं कि देश के शौर्य का, देश के बहादुर जवानों की शहादत का अपमान किया और मुझे लगता है कि 2019 लोकसभा का चुनाव इस अपमान का बदला लेने का चुनाव। यूपी के मेरठ में एक बार फिर तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर देखने को मिला। यहाँ रोडवेज की बस ने 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसमें एक अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग आए थे जिसमें एक मृतक था और एक जो है घायल था, उसमें तो घायल को उपचार दे दिया गया था और मृतक जो था उसमें सावन कुमार वो मृतक थे और उनको जो है सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मेरठ के एक अस्पताल में एक महिला मरीज के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला मरीज को ICU में नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के सहारा हॉस्पिटल का है। सर महिला के साथ हॉस्पिटल में रात देर रात रेप की घटना सामने आई, क्या प्रॉब्लम? तेजगढ़ी चौराहे के पास में सहारा हॉस्पिटल है जहां पे एक महिला रात में भर्ती हुई थी, कल दिन में थी, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, बॉडी में स्वेलिंग थी जिसका इलाज चल रहा था। महिला ने बताया कि हमारे साथ छेड़खानी की गई है रात में, इस संबंध में उसने तहरीर दी है, उसका मुकदमा कायम किया जा रहा है और इस संबंध में सभी से पूछताछ की जा रही है, जो भी सही होगा, जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं सर? कितने लोगों को हिरासत में लिया? कितने लोग हैं? अभी तो कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है। हिरासत में कितने लोग लिए गए सर?
ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। हिरासत में ली गई, उसका क्या रोल है? उसे पूछताछ की जा रही वहाँ पे वार्ड है वो। बताया जा रहा है कि इसमें डॉक्टर भी शामिल थे, क्या वो भी गिरफ्तार? सभी लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, जांच की जा रही जो भी सही होगा। महिला के पति का आरोप है कि महिला को इंजेक्शन दिया गया नशे का और उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें एक महिला ने इंजेक्शन, इसमें सारी जाँचें की हो रही है, उसका मतलब मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, हमारी फोरेंसिक की टीम भी आ गई, वो भी जांच कर रही है और मौके पर भी पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं और जो भी जांच में सही निकल के आएगा वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं? सर नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ हुई है, पूछताछ हो रही है। वहीं यूपी के मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब से तस्करों द्वारा लाई जा रही भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। फिलहाल पुलिस ने शराब से भरे वाहन को कब्जे में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। सर ये बताइए, आपने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है, किस तरीके से पकड़ा, कैसे वो शराब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था? मुकुल द्वारा सूचना मिली कि हरियाणा गंगा नगर एक पंजाब नंबर की गाड़ी जो मुरादाबाद के रास्ते बिहार शराब भर के जा रही है, और इस सूचना को हमने सजमाना और बागपत जो फ्लाई ओवर है हम उसके पास इस गाड़ी का इंतजार करते रहे। सुबह 4 बजे इस गाड़ी का हमें पेशा करके बागवत फ्लाई ओवर से आगे उसे रोक करके चेक किया गया। तो इसमें एक ड्राइवर है दलजीत नाम का, बताया उसने, और इसका एक किशन उर्फ रियो नाम का उसे गाड़ी मालिक है। तो ये उन्होंने बताया था इसमें चिप्स बने हुए हैं, उसने गाड़ी की चिप ना दिखाइए, उन्होंने पेपर दिखाए तो मुझे चिप्स थे पेपर पे जो कल के लिए जो बिहार का है। हमने गाड़ी को खड़वाया तो इसमें करीब 90 से 100 पेटियाँ रॉयल स्टॉक और करीब 100 पेटियाँ इसमें से बरामद हुई है। और अभी 100 से और पूछताछ की जा रही है कि ये बिहार में किस तरीके से सप्लाई करते हैं, तो ये ऑन डिमांड सप्लाई करते हैं, ये घर से जाते हैं और माल के अंदर छुपा करके अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हैं। इस पर उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा कि हरियाणा की जो गाड़ियाँ पास हों और सस्पेक्टेड जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे भी माल चेक कराया जाए। हरियाणा पुलिस की ज़्यादा इसमें भूमिका तो नहीं है, उनका कार्य करना चाहिए, उन्हें चेकिंग करना चाहिए ट्रांसपोर्टरों को, तो ये माल के साथ अवैध रूप से दारू बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो अब तक की पूछताछ में कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के लिए दारू लाई जा रही थी? नहीं, लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन बिहार में शराब बंदी भी है तो ये बिहार के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ सामान के साथ, एक और हमने एक ट्रक पकड़ा था अभी वो भी बिहार में जा रहा था और उसमें POP के कट्टे में करीब 600 पेटियाँ हमने बरामद की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली की रहने वाली एक युवती का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। बताया जा रहा है कि बीती रात वह अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। इस घटना के बाद प्रेमी फरार है, वहीं परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस फोरेंसिक टीम के जरिए मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतका ने अभी यहाँ पे खुदकुशी की हुई है और अभी इसका पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और बाद पंचायतों पोस्टमार्टम जो भी चीज़ें होंगी उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लग रहा है, क्यों खुदकुशी की है? पहले पंचायतों पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद लगना क्लियर होगा अभी कुछ टाइम से। मुरादाबाद के एक बंगाली चिकित्सक के पास जांच के लिए पहुंचे 8 लोगों के गैंग को पुलिस ने चिकित्सक से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से उत्तराखंड के सूचना विभाग का बना मान्यता प्रेस कार्ड मिला है, जिसे दिखाकर ये लोग अपने आप को पत्रकार बताया करते हैं। आरोपियों के पास से उत्तराखंड नंबर की एक बड़ी गाड़ी भी मिली है, जिसके दोनों तरफ पुलिस तहकीकात लिखा हुआ है। फिलहाल पीड़ित चिकित्सक की शिकायत पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। कल पागबाड़ा थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर बंगाली है, उनके घर कुछ लोग पहुंचे थे, उनसे पैसों की डिमांड करी थी। क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की गई है? इसमें डॉक्टर के यहाँ से सूचना मिली कि ये 8 लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं एक स्कॉर्पियो गाड़ी से, जिस पर ये हम लोगों से कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस पर तुरंत पुलिस फोर्स भेजी गई और वहाँ से मौके से ही वो एक स्कॉर्पियो UK 06 KA 0515 और 8 लोगों को ले लिया गया।
बंगाली डॉक्टर के यहाँ बैठ करके उसका लाइसेंस चेक कर रहे थे, उससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे। किसी को क्या कर उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विधि कार्रवाई। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं यूपी के रामपुर की, जहां पर जिला अधिकारी आंजनेय कुमार ने एसपी के साथ मिलकर नामांकन प्रक्रिया को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त आदेश भी दिए।